नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज 22 जनवरी है, आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह साथ ही साथ हमारी टीम जो बन रही है द इंग्लिश हाउस चैनल का, उस तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने जो कुछ भी व्हाट्सएप चैनल में क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो कुछ, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आज से करने जा रहा हूँ। पहला जो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, वो सॉल्यूशन है नाउन और केस का। मेरा नाम सूरज कुमार शर्मा हुआ। आप सभी को इस सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत है। ध्यान से देखिएगा, एक एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स नोएडा। इस सेंटेंस को जिसको बनाना हो वो पॉज करके बना लें, और जिसको समझना हो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ देखिए। जैसे जिसको मैंने क्वेश्चन दे चुका है उनको तो डाउट्स होगा, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो डाउट्स हो, उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। क्या यू नो इट वेल, आप अच्छी तरह से जानते हो डैट योर सक्सेस इन लाइफ, आपके जीवन में आपकी सफलता मेरे सलाह पर निर्भर नहीं है, बल्कि किसी और के भी क्या निर्भर है। किसी और के भी किस पर निर्भर होगा, सलाह पर ही, तो समझ रहे हो ना, किसी और के किस पर निर्भर होगा, सलाह पर। तो ये जो समबडी एल्स है ना, ये एपोस्ट्रोफ एस ले, कैसे यहाँ एरर मेरा क्या है, डी में। जैसे आप लिखते हो दिस इज राम्स बुक एंड दैट इज श्याम, क्या श्याम उसके साथ क्या, तो श्याम का, यह राम का किताब है और यह श्याम का किताब। जब एक वाक्य, जब नाउन किसी दूसरे चीज़ों पे अपना अधिकार दर्शाता है, तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, पोजेशन का, उसका नाम है क्या, एपोस्ट्रोफ एस। वो एपोस्ट्रोफ एस किसको जोड़ के लाएगा, नाउन। जैसे इसमें है दिस इज राम्स बुक, राम्स बुक एंड दैट इज श्याम्स बुक। ये जो बुक है ना, इस पर अधिकार किसका है, श्याम। इसका हिंदी करिए, यह राम की किताब है और वह श्याम की किताब है। जो की आ रहा है ना, उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफ एस। उसी तरह से यू नो इट, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं डेट योर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में आपकी सफलता ना सिर्फ मेरे, मुझ पर निर्भर है, बल्कि बट का, बल्कि किसी और पर भी निर्भर है, किसी और के क्या, सलाह पर निर्भर है। ना सिर्फ मेरे सलाह पर निर्भर है, बल्कि किसी और के सलाह पर निर्भर है। इसलिए किसका प्रयोग करना चाहिए था यहाँ पर, एपोस्ट्रोफ एस का। इसलिए बोला आंसर नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चा, जो कुछ भी मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इन सब का लिंक व्हाट्सएप पे आपका चला जाएगा, वीडियो का पूरा लिंक, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक चैनल है उस पर भी चला जाएगा, यूट्यूब चैनल उस पर तो खैर बन ही रहा, ठीक है। क्वेश्चन है, ही इन्फॉर्म्ड मी डैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। इसका हिंदी क्या हुआ समझिए, उसने मुझे सूचित किया कि वह वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, मतलब मंत्रियों के किसी निवास में से एक है ना, कहाँ क्या जा रहा है और वहाँ क्या करेगा, क्या करेगा, रुकेगा पूरी रात, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है कि कहाँ है, समझ में आ रहा आपको। देखिए एरर है सी में, कैसे आपको मैं सुन, मैंने जो जो मुझसे पढ़ा है उन सभी को बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़ा हुआ वो रूल को देखिए। वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है ना सर, जो नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा, रूलर, कैसा होगा, रूलर, ठीक है, रूलर ही होगा। आप प्रोनाउन अगर होता है, मान लो नाम की जगह पे आप प्रोनाउन लगाए, तब भी वो क्या होगा, प्रोनाउन भी।
और उस प्रूलर के साथ आप चाहो तो आप स्ट्रोफेस जोड़े या कुछ भी जोड़े, जो करना है करिए। यहाँ जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में वन तो दिया, ऑफ दिया, उसके बाद क्या देना चाहिए था? मिस्टर सिंगुलर, मिस्टर क्या है? सिंगुलर। मिस्टर जब सिंगुलर होता है ना तो वो दिक्कत है। होना क्या चाहिए था? वन ऑफ द मिनिस्टर्स के साथ, ऐसे ना होके, ऐसे ना होके आपको लगाना चाहिए था क्या? वन ऑफ द मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफ एस के बाद होना चाहिए, ठीक है? ये तो ठीक है कि ये लगना चाहिए, लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफ है ना, ये पहिया जो है, पहिया एस के बाद होगा, यही एपोस्ट्रोफ जो है कहाँ होगा? एस के बाद, ना कि पहले। क्यों? क्योंकि वन ऑफ जो है ना, वो नाउन को क्या बना देता है? प्रूलर। जब नाउन प्रूलर होंगे तो एपोस्ट्रोफ एस भी किसके बाद आ जाएगा? एस के बाद, एस के बाद। सिर्फ एपोस्ट्रोफ किसके बाद आएगा? एस के बाद, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर थ्री। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू मैनी पर्सन्स डेथ। समझा? बिल्डिंग वा के ठीक से बनाओ नहीं तो गिर जाएगा। द बिल्डिंग्स रूफ, बिल्डिंग का जो छत है उसकी जरूरत है रिपेयरिंग की, अदरवाइज नहीं तो, अन्यथा, अदरवाइज का हिंदी क्या होता है? नहीं तो या अंत है। इट मे फॉल डाउन एंड वह गिर जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, कारण क्या बनेगा? इन टू मैनी पर्सन्स डेथ, बहुत सारे लोगों की जान। अब इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है, ढूंढने का रे ना ढूंढने का, देख हम समझा रहे कोची है ए नंबर। देखो सब बचवा के पढ़ाए, एपोस्ट्रोफ एस किसके साथ लगता है? नॉन लिविंग थिंग के साथ कि लिविंग थिंग के साथ? नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ होता है? लिविंग थिंग के साथ। जैसे राम का भाई के साथ क्या लिखेंगे? राम्स ब्रदर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूम, रूम्स डेकोरेशन सही है? नहीं, गलत। रूम एक नॉन लिविंग थिंग है, उस नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। तो करेंगे कुछ ही ऑफ। ऑफ कैसे? द डेकोरेशन ऑफ, डेकोरेशन ऑफ रूम, क्या डेकोरेशन ऑफ रूम। इसी तरह से मैं लेके आपको लिख देंगे वॉल पेंटिंग, द वॉल, वॉल्स पेंटिंग, ये सही है? नहीं, द पेंटिंग ऑफ वॉल। क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। कुर्सी का टूटा हुआ पैर है ना, कुर्सी का टूटा हुआ पैर, द चेयर्स लेग, मान लो कुर्सी का पैर जो होता है, कैसे लिखा होगा? ब्रोकन, ऐसे नहीं, हम क्या बोलना चाह रहे थे? कुर्सी का पैर, तो हो जाएगा क्या? द चेयर्स लेग लिखना गलत होगा, द लेग ऑफ चेयर लिखना सही होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ जब रिलेशन होता है ऑफ के साथ या पोजेशन के साथ, पोजेशन मतलब एपोस्ट्रोफ एस के साथ, तब उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑफ के साथ होगा, ना कि एपोस्ट्रोफ एस के साथ, ठीक है? तो ये बिल्डिंग का रूफ जो है ना, बिल्डिंग का रूफ, इसका यदि आंसर क्या होगा? द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर ए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर चार है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। मैं जॉन और मैरी, ये नाम है बच्चा, जॉन और मैरी क्या है? नाम। जॉन और मैरी के घर पे दो बार गया, लेकिन दोनों बार वो क्या थे? दोनों कपल ही है, दोनों नहीं, शादीशुदा है, तो कपल है, वो क्या है? अब्सेंट है, नहीं मिले वहां, ठीक। इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है, कैसे एरर होगा आप लोग देख सकते हैं कौन सा एरर होगा। ऐसे हम बताए थे आपको, आंसर नंबर, एरर नंबर है बी। आंसर नंबर कौन सा है इसका? बी। देख बच्चा, हम शुरू से पढ़ाया, डबल विल सेंटेंस में नहीं आता, डबल एपोस्ट्रोफ सेंटेंस में एक साथ नहीं आएगा।
डबल ए भी नहीं करेगा। नाउन को लगातार यूज करोगे ना, लगातार यूज करोगे तभी गलत हो जाएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ता है, राम बहुत अच्छा से घूमता है या खेलता है, ये सब तो बार बार राम को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाउन। कोई भी चीज़ को लगातार रिपीट ग्रामर नहीं करेगा, सीधी सी बात इतना ही। इस कॉन्सेप्ट में जॉन्स एंड मैरिस के साथ दोनों के साथ बच्चा एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। अघरवा एक के गो, दोनों है पति पत्नी, घरवा जब एक के गो तो एक के गो के साथ न लगेगा। वो अलग बात है कि दोनों लड़ लिया, तलाक उलाक हो गया तो बंटवारा कर ली, इसने समझा, लेकिन है घरवा कुछ एक के गो। तो इस हिसाब से सिर्फ इसके साथ हटा देंगे, किसके साथ लगेगा, लास्ट वाला के साथ। किस में लगाना, लास्ट वाला के साथ। अब आंसर हो जाएगा इसको, आई विजिट जॉन्स एंड मैरीज हाउस, जॉन और मैरी का घर पर गया था और मैंने पाया कि वो दोनों वहाँ पर अब्सेंट, कितने बार, दो बार गए थे। ठीक है, तो ऐसे लिखना, ऐसे कैसे लिखोगे, जैसे मान लो कि राम्स ब्रदर्स हाउस इज गुड, गलत, राम के भाई का घर गलत है, आपको हटा देना पड़ेगा। लिखना होगा क्या क्या, द हाउस ऑफ राम्स ब्रदर, क्यों ऐसा हो रहा है, इज गुड, ऐसा क्यों हो रहा है, इज सही, क्यों, क्योंकि लगातार एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग एक ही सेंटेंस में नहीं, ए वो किस में डालना होगा, ऑफ में। ठीक है, ये हुआ। देखिए बता रहा है कि कपल है कुछ ही, पति पत्नी, इसीलिए एपोस्ट्रोफ एस किस में लगा, सिर्फ लास्ट में। आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, ए टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। इस सेंटेंस को पढ़िए और एरर बताइए कि कहाँ से एरर। इसमें कहा गया है कि 1000 किलो का वजन किसी के भी सर पे उठा लेना, अपने सर पे उठाना क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर ढूंढना। जैसे एक टन है, इज लगा हुआ है, ठीक है, होना ही चाहिए। जैसे 10 प्लेयर्स के साथ आर लगता है, लेकिन 10 किलोमीटर्स के साथ किसका प्रयोग करेगा, इज का, क्यों लगता है, क्योंकि वो एक डिस्टेंस को दर्शाता है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ तो ठीक है, इसमें गलती अगर ढूंढोगे ना तो आपको एक मन में क्या लगेगा कि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया है तो गलत होगा ए नंबर। लेकिन नहीं भाई, इसमें क्वेश्चन में सेंटेंस सही है, कहीं गलत नहीं। वेट जब भी आएगा ना, वेट, वेट के पहले आप एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफ एस का, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि जैसे ए टन रहे, टन्स किलोग्राम, किलो ए टन्स वेट, ठीक है, वेट सही है, ये भी सही हो सकता है, और ए किलोस वेट भी सही हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है, ए ग्राम, ग्राम्स वेट भी सही होगा। वेट के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है उसके मेजरमेंट के साथ आने पर, ठीक है, इसके लिए कोई एरर नहीं। वेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं अगर उसका मेजरमेंट है, वन के जगह पे आप मान लो कि 10 किलोग्राम्स होता, तो ग्राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लग जाते, 10 ग्राम्स क्या वेट, क्यों, क्योंकि रूलर है, 10 क्या कर रहा है, उसको रूलर कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है इसमें, ये भी हो सकता है। तो वेट के साथ एपोस्ट्रोफ एस आते हैं, इसलिए ये सेंटेंस कहीं भी गलत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स से बच्चा देख, सारा जितना पढ़ा रहे सब शेयर करेगा सर, समझे, देखिए, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। ठीक, इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए एरर कहाँ है। जैसे ये नाउन और केस का क्वेश्चन है, एरर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एरर अगर आता कहीं तो यहाँ लिख देता हिम गोइंग या ही गोइंग, जो कि गलत है, होना, ये सेंटेंस ही पूरा तरह से गलत नहीं है, पूरी तरह से सही है, सेंटेंस में एरर कहीं नहीं होता। अगर एरर बनाया जाता तो कहाँ बनता, यहाँ,
ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस पूरा पूरा सही है, इसका मतलब समझ लो, आई स्टॉप, मैंने उसे रोका, उसके जाने बाहर जाने से रोका, आई स्टॉप हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, रात में देर रात में उसे बाहर जाने से रोका, क्योंकि बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन, शहर की स्थिति वाज वेरी टेंस, बहुत तनावग्रस्त थी। ठीक है, ये सेंटेंस कहीं गलत नहीं है, अगर गलत होता तो यहाँ पर करता और कहीं और गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, नो इरर। ही डिड नॉट, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बच्चा है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर्स, सॉरी, नो इरर। इस सेंटेंस को एक बार देखिए और बताइए कि ये गलती कहाँ है, जिसने बनाया है ठीक है, जिसने नहीं बनाया है, जिसका गलती हुआ सब देख लीजिए। तो बच्चा इसका आंसर नंबर होगा बी, क्यों होगा, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ो, हिंदी भी करो और ध्यान से समझो। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। एक आध को होता है भटियारा टाइप के लड़का से, नहीं समझा, एक आध को पक्का रहे, वो सब ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ के मास्टर के तंग कर देता है। अच्छा तू लोग ठीक है, तू लोग के नहीं बोल रहे, तू लोग अच्छा लड़का है, तू लोग ठीक लड़का है, तू लोग के नहीं बोल रहे। एक आध को होता है, एक आध को होता है जो बड़ी बदमाश टाइप का रहता है, वही उसी के बारे में बता रहा है। He did not approve of his son's rising stupid question. वह अपने पुत्र के उठाए गए प्रश्नों से अपने टीचर्स को जो तंग कर रहा है ना, वही बता रहा है। यहाँ है अपने पुत्र के उठाए प्रश्न, बेतुका प्रश्न, स्टूपिड क्वेश्चंस की बात कर रहा है, स्टूपिड क्वेश्चन, तो पुत्र के उठाए गए प्रश्न ना, अपने पुत्र के उठाए, तो ये के लिए का आपको या तो ऑफ देना होगा, तो ऑफ रहता तो ये पहले हो जाता, तो देना क्या है हमको यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी जो नहीं दिया, ठीक है, होना चाहिए था ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चन देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। ठीक है, होना क्या चाहिए, जैसे राम कार आप लिख दोगे तो सेंटेंस बनेगा नहीं, राम का कर ना, तो राम का कार के लिए क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफ एस। श्याम्स वाइफ, ये सेंटेंस बनेगा ही, कोई नाउन है अगर उसके साथ दूसरा नाउन जोड़ रहे हो, कॉमन नाउन जोड़ रहे हो एक, तब या वर्ब जोड़ रहे हो, जो ये भी कॉमन ही नाउन होता है, नहीं आवश्यक नाम होता है, जो नाम के रूप में जुड़ रहा है, जब इसके साथ जोड़ोगे, पोजेशन दर्शाओगे, अधिकार दर्शाओगे, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, तो यहाँ छूट गया था वो, या गलती किया है क्या, एपोस्ट्रोफी एस छोड़ दिया। ठीक, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, इंडिया क्या, इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए और बताइए कि एरर क्या है, अगर ना समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर पहला का आप हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो था सेम क्वेश्चन था, वैसा ही ये भी है, कह रहा है कि अमेरिका की समस्या उतनी अति डरावनी और बहुत ही सीरियस नहीं है जितनी भारत की। ये जो की आ रहा है ना शब्द, ये की आवेगा ही यहाँ, की के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका, ठीक है, योर, देखो सॉल्यूशन क्या है, इस सेंटेंस को समझो, राम का भाई उतना अच्छा नहीं है जितना श्याम का। ये का के लिए कोई शब्द लगाना पड़ेगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या बनाऊँ, राम्स brother is not so good as क्या श्याम
इससे तो पता चला श्याम सिर्फ अच्छा नहीं है, क्या पता श्याम का भाई, ये जो ब्रदर जो छुपा हुआ है ये हटा दिया गया। राम का भाई तुलना किससे हो रहा है, राम के भाई से और श्याम के भाई से। यहाँ तुलना किसके हो रहा है, अमेरिका के प्रॉब्लम से और इंडिया के प्रॉब्लम से। दो शब्दों के बीच में जब तुलना ही होती है तो एक शब्द को आप मिटा सकते हैं, आप चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन एपोस्ट्रोफ एस तो आएगा। इस सेंटेंस को बोलते समय आप देख रहे हैं राम का भाई उतना अच्छा नहीं है जितना श्याम का, उसी तरह से अमेरिका की समस्या उतनी सीरियस नहीं है जितनी भारत की के लिए किसका प्रयोग करना होगा, एपोस्ट्रोफ एस का। इस समझे यहाँ क्या लगाना चाहिए था हम लोग को, एपोस्ट्रोफ ही एस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कहो कि मान लो कि राम का दोस्त उतना अच्छा नहीं है जितना श्याम का, तो राम श्याम ना रख, जैसे मेरी किताब उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी, माई बुक इज़ नॉट एज गुड या सो गुड एज योर, ना हो के योर्स का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ होता है, पोजेसिव केस का प्रयोग होता है, इसलिए एपोस्ट्रोफ ही एस लगता है, वहाँ योर्स लगता है। जैसे माई बुक इज नॉट सो गुड एज योर, लिखना गलत है, क्या होना चाहिए था योर्स, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, पोजेसिव प्रोनाउन का ही एक हिस्सा है एपोस्ट्रोफ एस। उसी तरह से यहाँ भी लगा, उसी तरह से यहाँ भी लगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हम लोग का डी। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि अमेरिका के साथ सर एपोस्ट्रोफ एस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं, क्यों लगेगा, आपको हम बताए थे जब भी लार्जेस्ट चीज़ होगा ना, बहुत बड़े हिस्से का चीज़ होगा, उन सभी चीज़ क्षेत्र के चीज़ को अकेले नहीं कर, जैसे अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों की स्थिति की बात कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं ना। जैसे मान लो कि लोग रहबे ना करे या देश बन जाएगा, देश बनाने के लिए लोगों का समूह का जरूरत होता है और उसकी समस्याएं उसकी ज़रूरतों की बात होती है, देश की बात नहीं। अमेरिका एक भूमि की क्या जरूरत होगी, और तू लोग हम नहीं रह के ना भूमि को ख़राब करते हैं या अच्छा बनाते हैं, न तो भूमि जहाँ छोड़ दोगे तो घास पौधा अपना उपजा के तो ऐसे भी ठीक रहता है, खाली भूमि बंजर ना है कि नहीं। अमेरिका की अगर ज़मीन की बात होती तो बेहतर ही होती है, यहाँ किसकी बात हो रही है, लोगों की, ऐसे सिचुएशन होगा ये सब चीज़ के लिए, यहाँ लोगों की बात है, इसलिए एपोस्ट्रोफ एस लगा। अगर ऐसे भी लगता है एक बड़े बहुत बड़े क्षेत्र है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस के बाद करते हैं। और साथ जैसे सूरज है, सूरज एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके लिए एपोस्ट्रोफ एस लगता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 8 नंबर और 9 नंबर सेम है, आप इसको ठीक से पढ़िए, पता चल जाएगा कि आंसर क्या हो। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक एट वी नेवर टेक इट सीरियसली। एक आध दो व्यक्ति होता है जिसका बोलने का तरीका ही ऐसा होता है जिसको लोग सीरियस ना लेते, वो भले गहरी ही बात क्यों ना करें, अगर कोई व्यक्ति गलत बात भी बोलेगा गहराई से बोलेगा तो लोग उसको सुनते हैं। जैसे एक व्यक्ति है हमारे बिहार के इतिहास में लालू प्रसाद यादव, वो मजाक भी इतनी अच्छी तरीके से करते थे ना कि लोग उनको आराम से सुनते थे, बोलने का तरीका ही ऐसा था, लहजा होता। कहते ना कि अंदाजे बयां ही बदल देती है हर बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो बोलने का तरीका ही आदमी को बेहतर बनाता है। इसी टेंस में सेंस में इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कि इसमें गलती क्या है। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक एंड वी नेवर टेक इट सीरियसली। आपके बोलने का जो टोन है और साथ ही साथ योर फ्रेंड के बोलने का टोन, यहाँ क्या रहा है का बोलने का टोन, जो टोन है ना, टोन छुपा हुआ है, हाइड कर दिया, इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, इतने व्यंग्यात्मक है, सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक है कि मैं उसे सीरियस वे में नहीं लेती। ये जो कारण घर है ना, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे बोलने का टोन और तुम्हारे दोस्त के बोलने का टोन, इसमें क्या जुटा हुआ था, एपोस्ट्रोफ है ना। जैसे अभी जस्ट बताए थे राम का भाई उतना अच्छा नहीं जितना श्याम का, एक दोनों सेंस में का आ रहा था, उस का के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफ ही एस का। चूंकि ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसका लगाएंगे, जैसे बॉयज सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉयज हॉस्टल लिखें
तो बॉयज़ हॉस्टल में डबल एस नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, बेस्ट ऑफ। सी ये गलत है, क्या लिखना होगा बॉयज़ हॉस्टल। तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाइएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना था, एपोस्ट्रोफ। क्यों? क्योंकि यही टोन की बात कर रहा है, तुम्हारे बोलने का टोन और तुम्हारे दोस्त के बोलने का टोन इतना सरकास्टिक है, सरकास्टिक मतलब व्यंगात्मक है कि मैं उसे सीरियस नहीं लेती, ठीक है। या मतलब गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, तो जिसमें जिस सेंटेंस में प्लूरल हो जाता है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफ का। अब कोई कोई जैसे चिल्ड्रेन है, वो प्लूरल पहले से आता है, तो उस पर पूरा लगाना होगा, चिल्ड्रेन है तो उसमें पूरा एपोस्ट्रोफ लगाइए, प्लूरल है चिल्ड्रेंस स्कूल, तो ये जो बच्चों का स्कूल, इसमें एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगा है, वर्ड प्लूरल लेकिन किसका एपोस्ट्रोफी एस लगा, जिस वर्ड का अंत प्लूरल हो, एस से हो, वो प्लूरल होता है कॉमन नाउन। ऐसे फ्रेंड है वो प्लूरल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस करके एपोस्ट्रोफी लगा के ही पोजिशन बनाते हैं, और जिसमें एस ना लगा हो उसमें पूरा लगाना पड़ता है एपोस्ट्रोफी एस, तब वो पोजिशन बनता है, ठीक है। इसमें आंसर नंबर है बी। देखिए बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ईरो पे एस लगा हुआ है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगेगा, दिक्कत क्या है कि हम शुरू से पढ़ाएं डबल डबल काम नहीं होता है ग्रामर में, एक साथ डबल एस नहीं आएगा, डबल एस नहीं आएगा, इसलिए एक एस के क्या कर रहे हैं यहाँ पर ही खा जा रहा है। गलत इसलिए हुआ क्योंकि बॉयज के लास्ट में क्या है, एस प्लूरल है, हर प्लूरल कॉमन नाउन का अंत किससे होता है, एस ही से होता है, बॉयज गर्ल्स काउज ई एस या एस से, एस से हुआ तो एस तो पहले से है ही प्लूरल, और जब उसमें एपोस्ट्रोफी लगाइएगा तो दो एस हो जाएगा, तो एगो एस को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ। इसी तरह से यहाँ फ्रेंड्स था तो प्लूरल है पहले से, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा के एपोस्ट्रोफ लगा के उसको हम पोजेशन के रूप में दर्शाएं, ठीक है। आगे की क्वेश्चंस मैं कल आपके साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।